यो कुशिन कराते फुल कॉन्टेक्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से शुक्लागंज कानपुर में हुए 31वें ऑल इंडिया नेशनल कराते प्रतियोगिता में भिलाई के खिलाड़ियों ने अपना झंडा लहराते हुए भारी मात्रा में मेडल जीता है। दो वर्ष के लंबे कोरोना काल के बाद अब सभी की जिंदगी पटरी पर आने लगी है और अब खिलाड़ी भी कई प्रतियोगिताओं में भाग ले पा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्लागंज कानपुर में 29 और 30 दिसंबर को 31वां ऑल इंडिया नेशनल कराटे प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें भिलाई के भी 17 बच्चों ने सीनियर जूनियर वर्ग में हिस्सा लिया और भिलाई सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश का परचम लहरा दिया, क्योंकि अकेले खुर्सीपार में संचालित हो रहे क्लब के खिलाड़ी बच्चों ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करवा लिए, जिसके लिए एक मेडल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मेडल वितरण समारोह को श्री राम चौक खुर्सीपार में बने स्टेडियम में कराटे क्लब के संचालकों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि खुर्सीपार थाना प्रभारी राजेश शर्मा उपस्थित हुए एवं उन्होंने अपने हाथों से सभी बच्चों को उनके जीते हुए मेडलों को उन्हें पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। माँ सोयामा कराटे संस्था है, यहाँ पर संचालित की जाती है खुर्सीपार क्षेत्र में। इनके जो यहाँ के जो बच्चे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा कानपुर पे कोई प्रतियोगिता हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे दुर्ग भिलाई की ओर से, और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ से मेडल जीत के आए हैं, जिसमें 3 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है वहाँ का, 2 बच्चों ने सिल्वर और 10 ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिनके सम्मान के लिए आज मुझे बुलाया गया था। बच्चों के साथ पे उपस्थित होकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और देख रहा हूँ कि हमारा जो देश का भविष्य है, खुर्सीपार का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। खुर्सीपार में संचालित कराटे क्लब के प्रशिक्षक मोहन राज, जो खुद ब्लैक बेल्ट है, उनके द्वारा काफी अच्छा प्रशिक्षण खिलाड़ी बच्चों को दिया जा रहा है। मेडल वितरण के कार्यक्रम एवं कानपुर में हुए ऑल इंडिया नेशनल कराटे प्रतियोगिता की जानकारी कराटे क्लब के ही एक और संचालक बीपी सिंह ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। मैं बीपी सिंह, फर्स्ट ब्लैक बेल्ट, जापान, क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन ऑफ इंडिया। हाँ बताएंगे, आज एक आपकी संस्था है, आज बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रतियोगिताओं में दिया है, मेडल लेके आए हैं, आज TI साहब आए हैं, क्या कार्यक्रम था ये? हम लोग ये बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो रखवाले हैं उन्हीं से हम चाहते हैं कि उनका सम्मान करें, जिससे उनको क्या प्रोत्साहन मिले और वो मतलब और उनके प्रति मतलब सम्मान प्रकट करें और उनको एक उद्देश्य मिले कि हम सीख के मतलब कुछ आगे बढ़े। TI साहब के द्वारा उनको मतलब जो बातें बोली गई हैं, सिखलाई गया है कि मतलब कि हमें देश का उज्जवल भविष्य है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको खरा उतरे। जो टीम आपकी गई थी जी, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, मेडल 100% 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज है, तो क्या लगता है आने वाले प्रतियोगिता के लिए और कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो सिल्वर और ब्रॉन्ज है उसे भी गोल्ड में बदला जा सके? जी, उसके लिए हम लोग फिर और इनको मतलब कड़ी प्रैक्टिस कराएंगे और मेहनत कराएंगे, और हमारे बच्चे ऐसे ही बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंजर होने के बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत सारे बच्चे जो मतलब सिल्वर आए थे और गोल्ड में तब्दील किए, उसे जो गोल्ड मतलब ब्रॉन्ज थे वो सिल्वर में तब्दील किए, जो पिछली बार हारे थे आसाम में उन्होंने ब्रॉन्ज लाया, तो बच्चे अपने साइड से प्रैक्टिस करते हैं, बाकी कुछ लक भी रहता है सर, है ना, वो तो 100% देते ही है और हम लोग उनको छोड़ते नहीं है, उनको बिल्कुल कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ते हम लोग भी। भिलाई शहर हमेशा से विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है और एक बार फिर कराटे के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भिलाई के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराकर यह सिद्ध कर दिया कि भिलाई आज भी खेल जगत में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।